क्या हाल है ड्रेविड एगेंस्ट। ड्रेविड एगेंस्ट 2022 बस खत्म ही होने को है और 2022 में दोस्तों काफी जबरदस्त स्मार्टफोन और गैजेट्स हमने देखे हैं, लेकिन 2023 दोस्तों उससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। 2023 में दोस्तों काफी अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं और जनवरी के पहले महीने में तो ओहो क्या कहने। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो आपको 2023 के पहले महीने में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं जनवरी 2023 में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन्स के बारे में। ऑलराइट दोस्तों, जनवरी के पहले महीने में दोस्तों सैमसंग की सीरीज सैमसंग S23 के दो स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, सैमसंग S23 प्लस और सैमसंग S23 अल्ट्रा। हालांकि दोस्तों सैमसंग S22 अल्ट्रा ने काफी धूम मचाई थी 2022 में और 2023 में दोस्तों 200 मेगापिक्सल के साथ ये नया स्मार्टफोन क्या तबाही लेके आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस सीरीज में आपको जैसे मैंने बताया दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई, जैसे बताया जा रहा है जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट होने वाला है उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर S23 प्लस की बात की जाए तो 108 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और अच्छी खासी बैटरी यहां पे आपको देखने के लिए मिलने वाली। ये भी फोन दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए तकरीबन 90,000 के आसपास दोस्तों इसकी प्राइस रेंज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बहरहाल दोस्तों ये था वो फोन जो जनवरी में दोस्तों तबाही मचाने वाला। यहां पे दोस्तों दूसरे नंबर पे OnePlus भी अपना स्मार्टफोन लेके आने वाला है, OnePlus 11। जी हां दोस्तों, OnePlus 11 रिसेंटली दोस्तों ट्विटर पे काफी ट्रेंडिंग है और 4 तारीख को दोस्तों चाइना में लॉन्च होने वाला और बताया जा रहा है जनवरी 7th को दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर यहां पे दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आप नजर डालेंगे तो इसमें दोस्तों 6.7 इंच का क्वाड HD AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और 100W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसकी कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये था हमारे दूसरे नंबर का स्मार्टफोन। दोस्तों जनवरी खत्म होते होते ओप्पो रेनो 9 और ओप्पो रेनो 9 प्रो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है ओप्पो फाइंड एन 2 फ्लिप भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट यहां पे दोस्तों कंफ्यूजन इस फोन को लेके है कि ये जनवरी या फेब एंड तक आपको देखने के लिए मिलेगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तो यहां पे दो स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलने वाले जनवरी एंड तक, ओप्पो रेनो 9 और ओप्पो रेनो 9 प्रो। अगर ओप्पो रेनो 9 प्रो की बात की जाए तो MediaTek Dimensity 8100 मैक्स का चिपसेट, 4500mAh की बैटरी, 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, कर्व डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला। और अगर यहां पे कैमरे की बात की जाए तो ओप्पो रेनो 9 प्रो में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और वहीं ओप्पो रेनो 9 में दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा। बहरहाल दोस्तों एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइस तो दोस्तों जनवरी एंड तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों Redmi भी अपनी एक सीरीज जनवरी 2023 में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं Redmi Note 12 की सीरीज के बारे में जिसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus। दोस्तों दोनों अमेजिंग फोन होने वाले हैं, दोनों ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। बताया जा रहा है 5 जनवरी को दोस्तों इंडिया में ये लॉन्च हो सकते हैं। अब यहां पे स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो Redmi Note 12 Pro में 6.6 इंच का OLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल सकता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, MediaTek Dimensity 1080 का चिपसेट, यहां पे 5000mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ देखने के लिए आपको मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर प्रो प्लस वेरिएंट की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपको 6.6 इंच का OLED डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 200 मेगापिक्सल का यहां पे दोस्तों आपको कैमरा इसमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दोस्तों 5000mAh की बैटरी, 120W की फास्ट चार्जिंग, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिलेगा। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए बताया जा रहा है 25,000 से 30,000 रुपए तक की रेंज में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों Xiaomi 13 की सीरीज भी आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकती है। Xiaomi
Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro, ये दो वेरिएंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जबरदस्त सीरीज बताई जा रही है यहाँ पे, ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया में बताया जा रहा है जनवरी मिड यानी 15-20 तक यहाँ पे लॉन्च हो सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 6.7 इंच का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन की सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है सोनी के 1 इंच सेंसर के साथ। और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल से मेरा मतलब है 50-50-50, तीन कैमरे 50 मेगापिक्सल के, जबरदस्त फोन होने वाला है दोस्तों। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 4800 एमएच के आसपास बैटरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे आप मुझे गेस करके बताइए इसका प्राइस क्या रहने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों IQ भी अपनी एक नए स्मार्टफोन की सीरीज IQ 11 और IQ 11 Pro यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। बताया जा रहा है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अगर स्पेसिफिकेशन पर नजर डालेंगे इसमें दोस्तों 6.7 इंच का LTPO4 AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Android 13 आपको देखने के लिए मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है जिसमें दो कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिल रहे हैं और थर्ड कैमरा यहां पे दोस्तों 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है। इसका प्राइस तकरीबन दोस्तों 40-50,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलने वाला है और 10 जनवरी को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब देख रहे हैं दोस्तों एग्जैक्ट किस प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होता है। हमारी लिस्ट में दोस्तों लास्ट नंबर में पोको का स्मार्टफोन निकल के आता है, पोको X5 जो आपको जनवरी में देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों काफी सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं, कुछ रूमर्स का कहना है इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का प्रोसेसर, कुछ का कहना है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर यहां पे देखने के लिए मिलने वाला है। बहरहाल दोस्तों ये तो कंफर्म है कि पोको X5 जनवरी में लॉन्च होने वाला है, किस स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज के साथ वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो जनवरी 2023 यानी 2023 के फर्स्ट मंथ में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।